एस न्यूज। तुलसीपुर बलरामपुर में लगभग दोपहर 12 बजे तुलसीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो सिर वाले बच्चे का जन्म हुआ। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे, लेकिन कुछ समय बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई। तुलसीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर सारिका साहू से बात करने पर उन्होंने इस संबंध में अधिक जानकारी दी। सुबह लेबर पेन के से मैंने उसको पीवी करके देखा, उस वक्त उसका मुंह खुला हुआ था बच्चेदानी का जी। तो हमने उसको बताया कि बेटा ये मरीज बचेगा नहीं, बच्चा बचेगा नहीं, बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने एक प्रीमेच्योर बच्चे में जैसे बटनोसल कवरेज दी जाती है, मैंने कहा इसको देकर देखती हूँ, अगर रुक जाता है तो चल जाएगा बच्चा, लाइव बेबी पैदा हो जी। तो उनको फिर लिटाया, आईवी फ्लूड वगैरह लगाया, 5% डेक्सट्रोज लगवाया उनको, और वेट एंड वॉच के लिए रखा था। और रूटीन का अपना हीमोग्लोबिन यूरिन जो हमारे अस्पताल में होता है, जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं, वो हमने यहाँ कराने के लिए। उतनी देर में ओपीडी के बीच में ही हमारे पास कॉल आती है कि बच्चा बाहर आ गया, बाहर मीन्स कि उसका फंस गया है चेहरा, मतलब पैर निकला, उल्टा बच्चा निकला और बाकी चीज़ें नहीं निकल पाई। तो मैं भाग करके ओपीडी गई देखने, वहाँ तो सर फंसा हुआ था। पीवी करने के बाद हमको वो बच्चा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा थी कहाँ, तो जब मैं उसकी गर्दन पर पहुँची तो मुझे एक सर निकला, फिर दोबारा से मैंने एक और कड़ा सा महसूस हुआ, मैंने कहा ये कैसे हो रहा। फिर मैंने उसको दूसरे बच्चे को निकाला और बहुत प्रेशर करके निकाला, मतलब वो निकालना इतना मुश्किल काम था, मैं डर गई कि भैया मेरे लिए, मेरी लाइफ में पहला केस था ये जी। निकाला, बेबी 7 मंथ प्रेगनेंसी का ही था जी। और बस जब निकाला, हाँ वो कंजनाइटल एनोमली है उसकी। एक्चुअल में हमारे पास रूटीन ANC के लिए आना चाहिए था, वो आई जब बच्चा डिलीवर किया तब तक लाइव था, बट उसको रिससिटेट करना, डॉक्टर पीडियाट्रिशियन को बुलाया, डॉक्टर महेश वर्मा ने जाके देखा भी, मैंने कहा अगर डॉक्टर साहब, तो उन्होंने बताया इसका सर्वाइवल बहुत पूरा। तो बच्चा जीवित है मैडम? नहीं, उसके बाद वो मुश्किल से आधा घंटा सर्वाइव हुआ, उसके बाद वो